हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम 2018 का जो पेपर है उसके क्वेश्चन देखेंगे और ये जितने भी आंसर मैं आपको बताती हूँ वो सारे ही ऑफिशियल आंसर की से ही बताती हूँ, तो आप बिल्कुल भी डाउट मत करिए करिए आंसर पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ये ईवीएस पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं। इसमें पहला है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसे करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। यानी सुषमा जो है अपने बच्चों को सेंसिटिव बनाना चाहती है पेड़ों के प्रति। तो पहला है समूह चर्चा, दूसरा है पोस्टर बनवाना, तीसरा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, और चौथा है कक्षा में बहस आयोजित करना। तो देखिए, आप किसी के भी प्रति तब सेंसिटिव होते हैं जब आपने उसको मतलब पाला हो, पोसा हो, है ना। तो अगर हम बच्चे को कोई बोले कि आप पेड़ लगाओ और उसको बड़ा करो, पोषित करो, तो वो क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। तो आप एज अ टीचर या अभय जो थे वो क्या थे, उन्होंने अपने क्लास के बच्चों से बोला कि आपके आस पड़ोस के लोगों को जो बीमारी है उस पर आप सर्वेक्षण करो। तो इसमें क्या है, कौन से इस जो शिक्षण अधिगम रणनीति है इसके लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, यानी कि सही नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। दूसरा है, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और साथ काम करने में सक्षम बनाएंगे। तीसरा है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। और चौथा है, इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तो आपको यहाँ क्या बताना था कि ये जो हमारा मेथड है उससे क्या रिलेवेंट नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। नहीं, देखिए यहाँ पे तो आपने बच्चे को काम दिया और समुदाय को तो पहले से ही पता है कि उन्हें कौन सी बीमारी है, तभी तो बच्चे जो है उससे रिलेटेड काम करने डाटा हैंडलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे सांसदों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा, यानी ये सब जो किया है वो किस लिए, कौन सी अप्रोच इसमें इस्तेमाल किया है प्रिया ने। पहला है अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण, दूसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण, तीसरा है मानववादी दृष्टिकोण, या चौथा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें जो प्रिया है वो क्या करके एन्क्वायरी करवा रही है बच्चों से, प्रश्न पूछ रही है। प्रश्न पूछने का मतलब है एन्क्वायरी करना, उनकी नॉलेज को चेक करिए कि उनको इस चीज़ के बारे में कितना पता है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है अन्वेषण दृष्टिकोण, वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, यानी कम्युनिटी से भी हमें क्या सीखने को मिलता है, क्यों, कैसे हम कह सकते हैं इस बात को। तो पहला है, बुज़ुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। दूसरा, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह चौथा, ये सस्ता और सुलभ है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी था क्वेश्चन है ये, इसका जो हमारा आंसर होगा सेकंड सही होगा कि ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि आप क्या उधर आपकी रियल लाइफ में जो चल रहा है, ठीक है, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको रियल ज्ञान उससे मिलता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा के में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है कि हम कहते हैं कि अपने जो भी हमारा
ईवीएस में हम पढ़ा रहे हैं उसको बाहर के वातावरण से जोड़ें। पहला है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, दूसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, तीसरा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना, या चौथा है पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना। तो इसका आंसर है हमारा चौथा सही है कि पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना, यानी सिर्फ किताबों तक ही सीमित मत रहो, बाहर भी दिखाओ, एक्सप्लोर करो और रियल जो एनवायरनमेंट है उससे मिलाओ और उससे ज्ञान दो। तो इससे तात्पर्य ये है, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला ऑप्शन है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, दूसरा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या तीसरा है परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, चौथा है परिवार की परिभाषा गलत है। तो देखिए इसमें हमारा जो सही आंसर है वो सेकंड है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, क्योंकि क्या है इसमें क्या आपने सारे बच्चों को इंक्लूड ही नहीं किया, उन सबसे पूछा ही नहीं कि आपकी क्या राय है, आप कैसा मानते हैं, बस अपना बता दिया है। तो ये जो अधिगम कर रही है वो कैसा है, समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो हम ईवीएस में कराते हैं क्लासरूम में। पहला है चित्र पढ़ना, दूसरा है फील्ड भ्रमण, तीसरा है श्याम पट का उपयोग और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए एक ईवीएस की क्लास में हम चित्र भी जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे सिखाते हैं, दूसरा है फील्ड भ्रमण भी कराते हैं और श्याम पट का उपयोग भी करते हैं। तो इसका जो हमारा चौथा है कि उपयुक्त सभी, वो सही होगा, क्योंकि उन सभी गतिविधियों का जो प्रयोग है हम ईवीएस की क्लास में करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण, समग्र शिक्षा यानी कि जो भी उसमें सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं सब कुछ बच्चे वो सीख सकते हैं, अगर कैसा हो उसके पढ़ाने का तरीका। पहला है एकीकृत हो, दूसरा समावेशी हो, तीसरा है विषयगत हो, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर भी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है कि उपर्युक्त सभी। हम मैंने आपको जब पढ़ाया है तब भी बताया है कि ईवीएस जो है वो एकीकृत भी होना चाहिए, इंक्लूसिव भी होना चाहिए और थीमेटिक, जो भी थीम्स दिए उन सबको भी साथ लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यक्रम में सपेरे पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, किसके प्रति। पहला है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। दूसरा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तीसरा कि पशु पालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, या चौथा कि ये एक अवैध कार्य है। तो ये चैप्टर इसलिए डाला गया है कि बच्चे समझ पाएँ कि सपेरे जो वो सांपों को क्यों पालते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है अपनी जीविका का। ठीक है, तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, यानी मिड डे मील का जो समय होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिलेवेंट क्या है, कि क्या हो, उससे क्या सीख सकते हैं बच्चे। तो पहला है ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। दूसरा यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तीसरा है ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। या चौथा है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप ज़्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि इसका आंसर जो है वो सेकंड होगा, कि ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। नहीं, इसका जो सही आंसर है वो है पहला, कि ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है, बच्चे देखिए समाज में क्या है कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, दूसरा है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, तीसरा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है, या चौथा है स्कूल बैग का कम वजन। यहाँ पे बोला गया है कि बोझ के बिना सीखने का क्या मतलब है। बोझ के बिना मतलब यह है कि फालतू का जो बोझ दे रखा है हमारी किताबों में वो हटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर उसमें कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें हटा दें और जितना ज़रूरी है उसको ही ऐड किया जाए, ये NCF 2005 कहता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, यानी अगर ग्रुप में आप काम करा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। पहला है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, तो ये इसमें तो आप अलग कर रहे हो ग्रुप, ऐसा नहीं है कि आप वीक और स्ट्रांग का ग्रुप बना दें। सेकेंड है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तीसरा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। या चौथा है लड़के और लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं, लड़के और लड़कियाँ अलग अलग सीख सकते हैं। चौथा भी गलत है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो सेकंड है कि सारे बच्चे जो मिलजुल के काम करें, मिलजुल के काम करना सीखें, एक दूसरे का एक्सपीरियंस को शेयर करो, मूल्यों को धारण करें, वैल्यूज़ को सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला का पूरा रूप क्या है, यानी आपको इसमें फुल फॉर्म बतानी है। पहला है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, दूसरा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, तीसरा है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, या चौथा है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज और एल फॉर लर्निंग और ए फॉर एड। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, वैकल्पिक ढांचे यानी अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क जो है उसका क्या मतलब है। पहला है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। दूसरा वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तीसरा है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए गए हैं। या चौथा है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तो वैकल्पिक ढांचे से मतलब वो होता है कि जो ऐसे विचार किसी भी टॉपिक के से रिलेटेड जो कि स्वीकार कर लिए गए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो स्वीकार नहीं किए गए वो क्या है, वो भी क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड विकल्प है हमारे सामने। तो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, वो वैकल्पिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक डैश है, ये क्या है, एक वैज्ञानिक तथ्य है या रूढ़िवादी धारणा है, या तीसरा अंधविश्वास है, या चौथा मिथ है। तो देखिए मोस्टली जो है आप लोग कहोगे कि रूढ़िवादी धारणा, बिल्कुल सही, रूढ़िवादी धारणा ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये मिथ भी है। ऐसा मिथ क्या होता है जो कि प्रूवन नहीं है, ऐसा नहीं है कि महिलाएँ पुरुष की तुलना में कमज़ोर होती है, उनमें बहुत सारी शक्ति, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा जो मजबूत होती है उनकी तुलना में, तो ये एक मिथ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्थ। तो ये थे टोटल क्वेश्चन 15 पेडागॉजी के, जो कि 2018 के पेपर में आए थे, और बिल्कुल ऑफिशियल आंसर्स मैंने आपको इसमें बताए हैं। आई होप ये आप लोगों के लिए आने वाले पेपर के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।